किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल श्रीराम एग्रोटेक में। किसान भाइयों, आज अपन लेके आए हैं तूड़ी लोडर, भूसा लोडर, जो हमने बनाया है सोनालिका 60 पे। किसान भाइयों, जो लोग कहते थे कि सोनालिका या सादा स्टेयरिंग ट्रैक्टर पे लोडर सक्सेस नहीं है, वो हमने सक्सेस करके दिखाया। आप जो मेरे यूट्यूब चैनल पे जो एक साल पहले का वीडियो देखोगे सोनालिका ट्रैक्टर का, उसकी लोडर की और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए किसान भाइयों को विश्वास हुआ कि सोनालिका ट्रैक्टर बहुत ही बढ़िया आ रहा है और इस पे लोडर फुल सक्सेस है। तो किसान भाइयों, सोनालिका ट्रैक्टर पे हमने पुराने मॉडल पे ये लोडर बनाया है, जिसकी हाइट करीब 25 फुट है। जो मैंने अभी चला के दिखाया, ट्रैक्टर बिल्कुल भी दब नहीं रहा। किसान भाइयों, इसमें हमने आगे पंप लिखाया है क्रेन पे, बिल्कुल भी दबता नहीं। ट्रैक्टर बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहा है। स्लो स्पीड में चलने का कारण, किसान भाइयों, इसमें बड़ा ऑयल टैंक बनाया है हमने, ताकि ये ऑयल गर्माए नहीं, इसलिए हमने इस पर बड़ी हैवी ड्यूटी कैपेसिटी का ऑयल टैंक लगाया है, साइड फिल्टर लगाया है, ओवर ठंडा करने के लिए एंटी कूलर लगाया है। किसान भाइयों, इसमें कंप्रेसर लगाया है हमने राजकोट का ओरिजिनल 300 पाउंड का। किसान भाइयों, ये देखिए, मैं आपको चारों तरफ से दिखाऊँ तो बहुत ही बढ़िया लोडर जो सोनालिका पे बहुत ही बढ़िया दिख रहा है, बहुत ही बेस्ट। इसकी फिटिंग बहुत ही मजबूत है, डबल चेचिस में है। किसान भाइयों, ये हमारा फर्म का लोगो है, जो हमारा श्रीराम कृषि यंत्र उद्योग फर्म है। किसान भाइयों, आजकल बाजार में कई फर्में बन गई उसी नाम से, तो हमने हमारा लोगो चेंज कर दिया। आप जब भी श्रीराम की फैक्ट्री पे जाओ या किसी से बात करो, तो हमारा ये आरबी का जो लोगो लगाया है हमने, ये हमने चालू कर दिया नया लोगो, ताकि किसान गुमराह नहीं हो और वो सही जगह आ सके। ये लोगो जहाँ भी मिले आपको, समझ लेना हमारे ही वो लोडर हैं, हमारे ही मैन्युफैक्चर है। किसान भाइयों, इसके लिए हमने ये अलग से ब्रांड लगाया है। ये देखिए, हमने ओरिजिनल इसमें राजकोट का कंप्रेसर लगाया है, हैवी ड्यूटी ऑयल ठंडा करने के लिए एंटी कूलर लगाया है, कंप्रेसर लगाया है। किसान भाइयों, मैं चारों तरफ से दिखाऊँ आपको तो देखिए, इसमें जो पिन भूसे हैं वो भी ओरिजिनल जेसीबी की लगी हुई है, जो ओरिजिनल जेसीबी की आती है। डबल चेचिस हमने इसमें लगाया है, ताकि परेशानी ना आए। क्लच प्लेट डालने के लिए हमने इसमें नट दिए हैं 3, ताकि नट निकाल के ट्रैक्टर को आगे लेके क्लच प्लेट डाला जा सके। अलग अलग हिस्सों में इसको डिवाइड करने के लिए हमने नीचे फोल्डिंग किया है पूरा। और पीछे से मैं आपको बताऊं किसान भाइयों, हमने जो ये कुंदा लगाया है, यहाँ से भी इसको फोल्डिंग किया है, ताकि ये दो पार्ट में डिवाइड होके आप कोई भी ट्रैक्टर का कोई भी कार्य वो करवा सकते हो। किसान भाइयों, ये हमने देखो लोडर में नीचे जो गजन पिन लगाई है, वो भी हेवी लगाई है, ताकि घिसावट नहीं आए। और जो इसका ब्रैकेट बनाया है, वो पेवर 6 mm में बनाया है हेवी ड्यूटी, ताकि धक्का लगाने पे ये ब्रैकेट बेंड नहीं हो, मुड़े नहीं। किसान भाइयों, इसमें हमने जो साइड जेक है वो 7 फिट लगाए हैं, लोग 80 इंची लगा रहे हैं, हम पूरा 84 इंची लगाते हैं, ताकि इसकी हाइट और ज़्यादा बढ़ाई जा सके। किसान भाइयों, ये देखिए कितना हैवी ड्यूटी हमने इसमें काम किया है। किसान भाइयों, ये लोडर संबंधित आपको कोई भी परेशानी आए, तो आप मेरे मोबाइल नंबर है 9351234101 पे संपर्क कर सकते हो। किसान भाइयों, ये हमारी श्रीराम कृषि यंत्र उद्योग जो फर्म है, वो रामपुरा में स्थित है। आरबी एग्रोटेक जो फर्म है, वो जेतपुरा रिक्को में स्थित है। किसान भाइयों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल के आइकन को दबाइए, और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी परेशानी हो, सुझाव हो, वो हमें बताइए। किसान भाइयों, आपकी सेवा के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।